नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं डॉक्टर रवि अग्रहरी, स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। इस साइंस रिपोर्टर की कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस बार हम नवंबर 2017 के साइंस रिपोर्टर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस, इसके अलावा सीडीएस, एनडीए जितने भी एग्जाम हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग इंडेक्स पर आते हैं। इस बार का जो साइंस रिपोर्टर है उसमें कौन कौन से ऐसे आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो दोस्तों, इस स्टारवेशन या फास्टिंग थेरेपी, जो हम व्रत रहते हैं, जो फास्ट रहते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे रिसर्च हुए, अनुसंधान हुए, जहाँ ये बताया गया कि स्टारवेशन एक अच्छी चीज़ है और जिससे हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे फायदे होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, सेफ्टी ऑन व्हील्स पे बात हो रही है, जहाँ आजकल गाड़ियों के अंदर देखो तो बहुत सारे सेफ्टी मैकेनिज्म्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ अगर एक्सीडेंट हो तो पहले तो एक्सीडेंट को कम से कम किया जाए, एक्सीडेंट कम हो, और अगर हो भी जाए तो कोशिश की जाए कि वहां से ज्यादा जान को बचाया जाए। सो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है। आजकल एबीएस सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो गाड़ियों में आ रहे हैं, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां आज, बहुत सेफ्टी पर्पज बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कुछ ऐसे एडवांस ऑटोमेटिव मटेरियल्स जो गाड़ियों वगैरह में हम प्रयोग में लाते हैं, जो कि बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बहुत स्ट्रेंथ वाले होते हैं, मजबूत होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे आजकल आप वाईफाई की बात करते हैं, ब्लूटूथ की बात करते हैं, एनएफसी की बात करते हैं, इसी तरह दोस्तों आजकल बात होती है वायरलेस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट आया था, जैसे विट्रिसिटी भी कहते थे, विट्रिसिटी भी कहते थे, यानी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, जो घरों में हम तार की वायरिंग करते हैं। अब आज इसकी जरूरत नहीं है, और समय के साथ आते आते दोस्तों हो सकता है कि हमारे घरों में तार की वायरिंग होना बंद हो जाए। जैसे घरों में हम क्या करते हैं, जैसे वाईफाई लगाते हैं और पूरे घर में आप जो भी लोग उस रेंज के अंदर होते हैं तो वो इंटरनेट सर्विसेज यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली उस तरह का ही आर्टिकल है। सोलर बेस्ड सैटेलाइट पावर बहुत ही बड़ी चीज है, जहां हम अंतरिक्ष में सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, लगाकर उसकी लाइट को कैसे अर्थ तक भेजेंगे और ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे सोलर पैनल के थ्रू, ये भी एक आर्टिकल है जो कि बहुत बड़ा एक इन्वेंशन है जो कोशिश की जा रही है आगे भविष्य में इसको बढ़ाने की। लेजर एनर्जी ट्रांसमिशन, हम लेजर के द्वारा भी एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और एक आर्टिकल दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक पर भी है, तो थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। आइए इंडेक्स को शुरू करने के पहले, जैसा कि हमारा अपना नियम है दोस्तों, हम अपने पेनड्राइव कोर्सेज के बारे में बताते हैं जो स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। एसएससी बैंकिंग के लिए अवेलेबल है, यूपीएससी के डिफरेंट मॉड्यूल कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, जहाँ पे साइंस, टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एवरी सब्जेक्ट्स आर देयर। यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप जीपीएससी, एमपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, लॉ क्लैट की तैयारी कर सकते हैं, डिफेंस एग्जाम्स के जैसे सीडी, एनडीए वगैरह के, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो इन पे दिए गए जो नंबर हैं इनसे आप बात कर सकते हैं। आज दोस्तों वीडियो की कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं फिर आपको पहले बताऊंगा, आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पेज पे फॉलो करिए, यहाँ पर मैं अपने सारे लिंक्स और सारे मटेरियल्स वगैरह को अपडेट करता हूँ। बाकी ये चीज़ें स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में भी अपलोड होती हैं। वीडियो की कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम स्टारवेशन थेरेपी की बात करते हैं। यहाँ गांधी जी, हमारे बापू जो राष्ट्रपिता हैं, उनकी एक पिक्स बनी है और जहाँ पे एक स्टारवेशन, उन्होंने जो भूख हड़ताल किया है उसकी बहुत ही मतलब एक ऐसी मरमर सी एक ऐसी पिक बनी है, जो पिक है जिसको हम देख कर समझ सकते हैं। तो यही पिक आपके साइंस रिपोर्टर में भी है, तो जो मैंने वहीं से उठाया है दोस्तों। फास्टिंग करने से होता क्या है दोस्तों, आपको पता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो हमारा एक्स्ट्रा फूड हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, जब हम दो दिन, तीन दिन, चार दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी में फूड क्या करता है, वो रिजर्व जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है वो हमें एनर्जी देता है। जानवरों में जो वो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और वहीं अगर आप प्लांट के अंदर जाओ तो देखो तो वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। प्लांट के अंदर वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो फिलहाल हम एनिमल्स की बात करें, हम ह्यूमन की भी बात करें, ह्यूमन एनिमल के अंदर आता है। तो सबसे पहले जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा ग्लाइकोजन टूटना शुरू होता है, शुरुआत के 18 से 24 घंटे के अंदर जब हम खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं। तो सबसे पहले हमारा लीवर जो होता है, लीवर में हमारा ग्लाइकोजन होता है जो स्टोर होता है, यानी हमारा रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ स्टोर होता है, एक्स्ट्रा फूड हमारे लीवर में स्टोर होता है, उसका टूटना शुरू होता है 18 से 24 घंटे के अंदर, हमें एनर्जी देता है। आपको पता है दोस्तों, जब हम हमारी बॉडी में जब एनर्जी बनती है तो सबसे पहले हमारा ग्लाइकोजन वगैरह जो होता है, ये टूटना शुरू होता है। उसके बाद अगर आप देखो तो
इसका एक हायरार्की है, हायरार्की है। अच्छा एक बात बताओ, जब अगर आप दौड़ते हो अपना वेट कम करना चाहते हो, तो अगर आप किसी डॉक्टर से मिलो या किसी बंदे से मिलो जिसको थोड़ी नॉलेज है, तो आपको बताएगा कि आप धीरे धीरे दौड़ो और लॉन्ग टर्म दौड़ो। अमूमन मैंने क्या देखा, जब आप वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो तेजी तेजी से दौड़ते हैं और फिर उसके बाद थक जाते हैं, रुक जाते हैं। ऐसा ये गलत है। सबसे पहले क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट जलता है, कार्बोहाइड्रेट जलने के बाद आपका प्रोटीन का नंबर आता है, और प्रोटीन के जलने के बाद फिर वो जो आपकी टमी है ना, जो आपका वेट है, जो जो फैट्स वगैरह, उसका नंबर आता है। तो आपको ना धीरे धीरे दौड़िए, फाइन, बट लॉन्ग टर्म दौड़िए, ताकि कम से कम धीरे धीरे करते करते फैट का नंबर आए और आपका बॉडी वेट गिरे। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, जब हम जो एनर्जी होती है जो डिराइव्ड होती है, वो प्रोटीन से मिलती है। प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अमीनो एसिड्स, फिर उसका अमीनो एसिड में जाती है, क्योंकि प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो अमीनो एसिड बन जाता है। इसके बाद देखो तो ग्लाइकोजन से आता है, गॉट इट, और सबसे लास्ट में देखो तो फैट में स्टोर होता है। फैट का जो एनर्जी होता है या जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है, वो हमारे एडिपोज टिश्यू में होता है, जो स्किन के बीच बीच में होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो टमी वगैरह है उसके वेट्स बढ़ाते चले जाते हैं। अगर हम फर्स्ट फेज ऑफ फास्टिंग करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बोला था, 6 से 24 घंटे के बाद है ना ये चीज़ें बर्निंग शुरू होती हैं, और कहते हैं लगभग ग्लूकोज जो होता है 150 से 250 ग्राम पर डे जो होता है हमारा टूटता है। ओके जो ब्रेन होता है, वो ब्रेन जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या ब्रेन काम करता है, तो उस केस में भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है, जैसा बताते हैं 125 to 150 ग्राम के आसपास एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है हमारे ब्रेन को। फिलहाल ये दोस्तों ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जो बहुत बताने जरूरत, लेकिन एक चीज मैं आपको फिर बताऊंगा, जब आप दौड़ते हैं या जब आप खाना नहीं खाते हैं, तो सबसे पहले आपका ग्लूकोज टूटता है। ओके ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फूड होता है ना। ग्लूकोज के बाद आपका जो एक्स्ट्रा फूड ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो टूटता है दोस्तों। ओके यानी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं जो टूटते हैं। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों किसका, प्रोटीन का। ओके और उसके बाद जाके नंबर आता है दोस्तों किसका, फैट का। इवन जब हम कैलोरिक वैल्यू की बात करते हैं, कैलोरिक वैल्यू किसको कहते हैं, जब 1 ग्राम फूड से एनर्जी बनती है, जब 1 ग्राम फूड टूटता है तो उससे जो एनर्जी बनती है उसको हम कैलोरिक वैल्यू कहते हैं उस फूड की। सबसे ज्यादा कैलोरिक वैल्यू फैट की होती है, 1 ग्राम फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, उससे कम प्रोटीन में होती है, सबसे कम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो उसको जो सबसे कम होगा सबसे जल्दी टूट जाएगा, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसके बाद टूटेगा, और फैट जो होगा सबसे लास्ट में टूटेगा। तो ये थोड़ा सा ये हायरार्की याद करना। एक बार यूपीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि 1 ग्राम फूड में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, यानी किसकी कैलोरी वैल्यू फूड की में सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर था दोस्तों फैट। आपको मैं बताता हूँ जो फास्ट करने का सबसे बड़ा फायदा होता है। फास्ट करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फैट होता है, ठीक है, जो फैट होता है दोस्तों, फैट का जब डाइजेशन होता है ना, जो वसा होता है, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। यानी कहने का मतलब जब फैट डाइजेस्ट होता है तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, ठीक है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। यही फैटी एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है ना, जब ये फैटी एसिड हमारी बॉडी में जाके टूटता है, डाइजेशन होने पे, तो फैट जो हमने वसा खाया, तेल वेल खाया, वो तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में हो गया। अब फैटी एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है, यानी जब फैटी एसिड हमारी बॉडी में टूटने के बाद, डाइजेशन के बाद, जब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर हमें एनर्जी देने जाती है, तो उस प्रोसेस में फैटी एसिड के जब मेटाबॉलिज्म होते हैं, तो यहाँ कीटोन बॉडीज बनती है। क्या बनती है, कीटोन बॉडीज। आपके पेपर के लिए दोस्तों ये कीटोन बॉडीज हर ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखे गए हैं। ये कीटोन बॉडीज जो होते हैं हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, और जब हमारा जो एनर्जी सबस्ट्रेट होता है, जब जब ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, जब लंबे भूख हड़ताल में जाते हैं, तब कीटोन बॉडीज बनती हैं। और पता है दोस्तों, कीटोन बॉडीज बहुत ही अच्छी चीज होती है, बहुत ही अच्छी चीज होती है। आजकल जो है जनरली कीटोन बॉडीज होते क्या, मैं आपको बताऊं, कीटोन बॉडीज ऐसी ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय अंगक होता है, वो जब एसिटिल कोएंजाइम जब एक ब्लड के अंदर एंटर करता है, फिलहाल एसिटिल कोएंजाइम को आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी जो होती है वो हार्ट के टिश्यूज जो होते हैं उनको चाहिए होता है। वहां पर असल में क्या होता है, जो ब्रेन जो स्टार्वेशन के टाइम में जब जिस तरह की एक्टिविटी करता है, वहां पर इस तरह की चीजें बनती हैं। फिलहाल आप इसकी मेटाबॉलिज्म पर मत जाइए, आप सिर्फ ये याद रखिए कि जब फैटी एसिड हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब वो डिजॉल्व हो रहा होता है, एनर्जी बना रहा होता है, तो वहां पे कीटोन बॉडी बनते हैं। और ये प्रोसेस तब होता है, कीटोन बॉडी तब बनता है जब कोई भी शख्स स्टार्वेशन में जाता है और लंबे समय के लिए स्टार्वेशन में जाता है। तो यहाँ की वर्ड है आपके लिए कीटोन बॉडी।
अब बात होते हैं जो कीटोन, आजकल जानते हो दोस्तों, जो वेट वगैरह को कम करने के लिए ना इस तरह की चीजें दी जाती हैं भोजन में जिसमें कीटोन डाइट्स हो, यानी कीटोजेनिक पदार्थ हो। यहाँ तो भूख स्टार्वेशन के बाद वो चीजें बनकर आती हैं, और अगर हम इस तरह की चीजें रेडीमेड बना लें और वो हम किसी के वेट को कम करने के लिए दें, ठीक है, तो वो अच्छा इफेक्ट इफेक्ट डालता है। तो वही कह रहे हैं कीटोजेनिक डाइट जो होता है वो वेट को लूज करने के लिए एक अच्छा डाइट है। अब कीटोजेनिक जो फूड्स होते हैं, कीटोजेनिक जो डाइट्स होते हैं, इनसे फायदा क्या होता है? इनसे हम डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे जो डिफरेंट तरह के कॉग्निटिव जो इम्पेयरमेंट्स होते हैं। अब बात होती है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या होते हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हम उसको कहते हैं इसमें किसी पर्सन की सोच, उसका संचार, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी मेमोरी जो होती है वो ठीक से काम नहीं करती है। तो यानी कहने का, तो किसी बंदे का ब्रेन या सोच या समझ ढंग से काम नहीं करता, तो उसके लिए कीटोनिक डाइट एक मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों जो अल्जाइमर बीमारी होती है, डिफरेंट तरह की बीमारियों को रोकने के लिए, बहना कैंसर आदि को रोकने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वगैरह को, जैसे हार्ट रिलेटेड जो बीमारियां होती उनको रोकने के लिए कीटोजेनिक डाइट एक तरह से मेडिसिन है या एक तरह से वरदान है। तो यहाँ दोस्तों कीटोजेनिक डाइट, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं दोस्तों सेफ्टी ऑन व्हील पर जाते हैं, जो आज गाड़ियों में जो आज सेफ्टी मैकेनिज्म लगाए गए हैं, इस पर भी साइंस रिपोर्टर बहुत अच्छा सा प्यारा सा आर्टिकल इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक्स का, कि करीब 1.25 मिलियन लोग रोड ट्रैफिक में पूरे विश्व में मरे हैं, जिनकी डेथ हुई है 2015 में। यानी तकरीबन 1.25 मिलियन लोगों का मतलब करीब 12.5 लाख लोगों की डेथ हुई है रोड एक्सीडेंट में 2015 में। और ऐसा कहते हैं इतनी जनसंख्या तो एक देश की देखें तो मॉरिशस की भी है ना, यानी मॉरिशस के बराबर के लोग जो है उनकी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में पूरी दुनिया में। यानी कितना रोड एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती है। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए कहते हैं, देखते हैं दो तरह के सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो गाड़ियों में दिए जाते हैं। एक जिसको हम कहते हैं पैसिव सेफ्टी फीचर, दूसरा जिसको हम कहते हैं एक्टिव सेफ्टी फीचर्स। पैसिव सेफ्टी फीचर्स क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल है। पैसिव सेफ्टी फीचर्स ये वो होते हैं जब आपका कोई एक्सीडेंट होता है, और जब पैसेंजर जब क्रैश होता है उस केस में गाड़ी के अंदर होने वाला वो सिस्टम जो आपको मिनिमाइज करता है चोट लगने से, आपकी जान को जाने से, उसको हम पैसिव सेफ्टी मेजर्स कहते हैं। तो पैसिव सेफ्टी जैसे आपका एयर बैग खुल जाता है दोस्तों, तो एयर बैग का खुलना यानी एक तरह से एक्सीडेंट होने के बाद आपको बचाने के लिए जिस तरह की चीजें होती हैं उन्हें हम पैसिव कहते हैं। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव सेफ्टी मेजर वो होते हैं जो ऑलरेडी आपको क्रैश ही नहीं होने, यानी क्रैश होने की दर को मिनिमाइज करते हैं, तो इस तरह की चीजों को हम एक्टिव सेफ्टी मेजर कहते हैं। ये हेल्प करते हैं कि क्रैश ही ना हो, ये रोकते हैं क्रैश को। ओके, और इससे ड्राइवर को क्या करते हैं, बेटर तरीका मिलता है किसी तरह से गाड़ी को कंट्रोल करने का और जो खतरा है उसको बचाने का। अब बात होती है इसके अंदर कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स में काम करते थे। एबीएस सिस्टम्स को एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। ESC दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स के अंदर आते हैं। तो आई डोंट थिंक आप लोगों को कंफ्यूजन है कि पैसिव सेफ्टी फीचर्स और एक्टिव सेफ्टी फीचर्स क्या होते हैं। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स में आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग बात करते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है आजकल। अभी मैंने हाल ही में देखा था कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछा कि ABS का फुल फॉर्म क्या है। ओके, चार ऑप्शन में थे तो उसका आंसर था दोस्तों एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। असल में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में होता है क्या, पहिए में देखो इस तरह का एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आजकल लगे होते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से क्या होता है, अगर अचानक ब्रेक लेते हैं तो आपका टायर जो होता है वो स्लिप नहीं करता है, क्योंकि अमूमन क्या होता है जब हम ब्रेक लेते हैं ना तो आगे का पहिया पूरी तरह से जाम हो जाता है। तो जब आगे का पहिया पूरी तरह से जाम हो जाता है तो ब्रेक लेने पर वो गाड़ी जो होती है आगे के पहिए से स्लिप होती है, और स्लिप होते 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 हमारी गाड़ी का बैलेंस खो जाता है और हमारी गाड़ी जाकर किसी जगह पे हिट कर जाती है। लेकिन ABS सिस्टम आने से वो गाड़ी का जो टायर होता है दोस्तों, जो व्हील होता है, वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, यानी ब्रेक लगता है रुकता है लगता है रुकता है, ये बहुत जल्दी 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 होता है। तो यहाँ एटलीस्ट जो पहिया होता है वो स्लिप नहीं करता और गाड़ी पूरे बैलेंस में रहती है और गाड़ी ढंग से रुक जाती है, या आप आसानी से गाड़ी को अपने जो सामने से जो अचानक ऑब्जेक्ट आता है उससे बचा के निकल लेते हैं। चीज को मैं आपको वीडियो के थ्रू भी दिखाता था। तो कहने का मतलब है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक ऐसे फिनोमिना है जहां व्हील्स को, पहिए वगैरह को हम व्हीकल के अंदर है ना
अचानक जो होता है सडन या एक्सट्रीम ब्रेकिंग फोर्स है ना, जो अप्लाई करते हैं उस केस में जो पौधा कह रहा हूँ, जो वीड होता है जो लॉक हो जाता है, उसकी वजह से स्लिप होता है, उस कंडीशन को एबीएस सिस्टम से बचाया जाता है। क्योंकि एबीएस सिस्टम में जो गाड़ी होती है उसका जो पहिया होता है वो ऑन ऑफ होता है, तो यहाँ पे पूरी तरह से गाड़ी का जो पूरा लॉक नहीं होता, फ्रंट टायर जो होता है, जो भी ऐसे गाड़ी जो होता है पूरी तरह से अंडर कंट्रोल रहती है। एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, यहाँ ऐसा क्या हो रहा है जहां पे इस तरह की चीजें हो रही हैं। ठीक है, आप जरा देखना, मैं आपको समझाऊंगा इस एंटी लॉक सिस्टम में क्या है। ये देखो दोस्तों, ये गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, आ रही है, आ रही है, और ये आगे का जो पहिया है ना, ये पूरी तरह से लॉक हो गया है। अब अगर एबीएस है तो क्या है, एबीएस है तो गाड़ी का टायर देखना है, यहां पे ऑन ऑफ 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 ऑन ऑफ, यानी कहने का मतलब यहाँ आगे का पहिया पूरी तरह से लॉक नहीं होता एबीएस सिस्टम में, और गाड़ी ये देखो आराम से बैलेंस पे कंट्रोल होकर आगे निकल जाती है। यही होता है एबीएस सिस्टम, यानी कहने का मतलब अगर हम एबीएस सिस्टम को लेके चलते हैं तो इस तरह की समस्या नहीं आती है। मेरा कहने का जो मतलब था आप वो पूरी तरह से समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक कंट्रोल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जिसको कहते हैं एबी। यहां पर जनरली क्या होता है, बहुत सारे क्रैशेस ऐसे होते हैं जहां पर डॉक्टर जो ड्राइवर होता है वो लेट में ब्रेक लगाता है, या ये कह लो जब ट्रक व्रक का जब ब्रेक लगाया जाता है ना तो पूरी तरह से फोर्स दे के ब्रेक लगाया जाता है, लेकिन अगर ब्रेक पूरे फोर्स से नहीं लग रहा है तो वहां पर क्या होता है कि जाकर जो गाड़ी होती है वो दूसरी गाड़ी से भिड़ जाती है। यानी कहने का मतलब है ऑटोनॉमस इमरजेंसी सिस्टम ऐसे केस में काम करता है जहां पर कुछ गलती से या कुछ कारणों से ड्राइवर जो होता है वो या तो ब्रेक लेट में लगाता है या पूरे फोर्स से नहीं लगाता, उस केसेस में एक्सीडेंट को बचाने के लिए ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग प्रणाली का यूज किया जाता है। जनरली इस तरह की दिक्कत कब होती है, आप देखो ये गाड़ियां है, ये गाड़ी है जो बीच में एक गैप है और इस गैप को मेंटेन रखा जाता है ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जो लगाई जाती है। इसके लिए गाड़ी के अंदर ना सेंसर्स होते हैं, अभी बताता हूँ किस तरह के सेंसर्स होते हैं। जनरली इस तरह की जरूरत कब पड़ती है, मान लो कि डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो आपकी नजर इधर उधर चली गई, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, या इन अटेंटिव हो, मतलब अटेंटिव नहीं हो, जो गाड़ी के अंदर बच्चे हैं या कुछ हैं शोर कर रहे हैं आप उधर ध्यान दे रहे हैं है ना, या सामने की तरफ देखो तो दृश्य जो विजिबिलिटी है बहुत कम है, या ड्राइवर के सामने देखो तो बहुत हैवी फॉग आ गया, रेन आ गया, स्नो आ गया है ना, अचानक भी गाड़ी खड़ी दिखी उसको सामने दिखा नहीं, ऐसे केसेस में ड्राइवर को ध्यान नहीं आता, ब्रेक नहीं लगता, तो ऐसे केसेस में सबको गाड़ी के अंदर बचाने के लिए ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम होता है। उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑटोनॉमस जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके अंदर करते क्या है, हम रिडार का यूज होता है, स्टीरियो कैमरा लगे होते हैं, लिडार तकनीकी का यूज होता है, इसको लाइट डिटेक्टिंग अरेंजिंग कहते हैं। इसके आधार पर क्या होता है, जो कॉलिजन होता है गाड़ी के आगे जो फ्रंट साइज में किसी कार वार के आगे, उसको रोक दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये ऐसे सेंसर्स हैं, रिडार, स्टीरियो कैमरा और लिडार, लाइट डिटेक्शन अरेंजिंग टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से सामने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो फॉग वॉग में भी हमें दिख जाता है इन सेंसर्स की मदद से, और जो ब्रेक होता है ऑटोमेटिक वो लग जाता है। यानी कहने का मतलब जो पोटेंशियल कॉलिजन होता है, जो बहुत जोर से जो कॉलिजन लगने वाला होता है, उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं इस सिस्टम में, और यहां पे पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि ड्राइवर को अलर्ट कर दिया जाए। अगर नहीं भी अलर्ट कर रहे हैं तो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम होती है जो यहां पर लगाई जाती है, और पूरी तरह से अंडर कॉलिजन इज इमिनेंट, यानी पूरी तरह से कॉलिजन को भिड़ंत को कम करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और भी सिस्टम होता है, जैसे आप देखो कि जनरली जब रोड के बारे में बताया जाता है कि मतलब एक्सीडेंट क्यों होता है, रोड सेफ्टी के बारे में बताते हैं बहुत सारे टेलीविजन न्यूज में, तो वो कहते हैं कि हमेशा लेन ड्राइविंग इज द सेफ ड्राइविंग, हमेशा अपने लेन में चलना चाहिए। हमेशा जब आप 4 लेन या 5 लेन पे जाओ, 4 लेन पे जाओ, तो आपको लिखा होता है ये लेन बस के लिए होता है, ये कार के लिए होता है, इस तरह की चीजें होती है। तो लेन ड्राइविंग पर लेकर जो एक इंफॉर्मेशन है लेन ड्राइविंग के बारे में आपको जानना चाहिए कि लेन ड्राइविंग भी कभी कभी ऐसा होता है कि अपने लेन से गायब हो जाते हैं, यानी गायब होने मतलब उतर जाते हैं, तो ऐसे केस में आपकी गाड़ी को फिर बैलेंस करा जाता है लेन में। अगर हम नहीं जाते हैं तो गाड़ी में ऐसे सेंसर्स होते हैं जो आपको लेन में रखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ड्राइवर को वार्न किया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि कार जो है वो लेन के मार के काफी करीब पहुंच चुका है, यानी आप लेन से उतरने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक वार्निंग सिस्टम दिया जाता है ताकि आप अपनी लेन में रहें, क्योंकि दूसरे लेन में दूसरी गाड़ी चलती है तो आप सेफ रहेंगे। दोस्तों इस पिक्चर में आप इन चीजों को देख सकते हैं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ,
या सिस्टम जो होता है ये इस तरह से ये ऐसे काम करता है कि इसके अंदर जैसे आप ये देखो फ्रंट रेयर व्यू मिरर के पास यहां पर देखो है ना, एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, विंडस्क्रीन बिहाइंड द रियर व्यूज, यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। ये कैमरा क्या करता है, एक तरह से सारी की सारी चीजों को मतलब नोटिस करता है पूरी अच्छी तरीके से। कहने का मतलब यह है कि जब अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है कि जैसे गाड़ी जो होती है देखो है ना, गाड़ी जो होती है देखो इस जगह पे आ रही है, या देखो लेन के लेन को टच कर रही है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है जब लेन को टच करती है तो यहाँ पर ना कुछ ऑडिबल सिग्नल होते हैं जो आवाज देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ वाइब्रेशन होते हैं, स्टीयरिंग जो होता है हिलने लगता है। तो इसकी मदद से क्या करते हैं कि हमारा जो कार होता है रनिंग ओवर रंपल स्ट्रिप यानी गलत तरीके से स्ट्रिप पे जा रहा है उसके बारे में हमने चेतावनी दी जाती है। और जो कैमरा होता है मैंने आपको बता ही दिया कि इस जगह पे लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं ना, ये देखो यहाँ पे बगल में मिरर के पास लगा हुआ है, यहाँ मिरर के पास लगा हुआ है। तो ये चीजें जो होती हैं विंड स्क्रीन वगैरह के बिहाइंड जो रियर व्यू मिरर्स हैं, तो यहाँ पर चीजें लगी होती है। लोकेशन इस पिक्चर को बताने का सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों कि आप पिक्चर की मदद से कॉन्सेप्ट को तुरंत समझ सकते हैं। अब आज होती हेड्स अप डिस्प्ले क्या होता है। हेड्स अप डिस्प्ले दोस्तों आजकल जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो बड़ी मतलब महंगी महंगी गाड़ियां सेफ्टी को लेके आ रही हैं उनमें हेड्स अप डिस्प्ले लगे होते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। ये एक डिजिटल ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले है जो हाँ विंडशील्ड जो होता है जिसपे विंडशील्ड मतलब जो आगे से आने वाली हवा को रोकता है, आगे वाले शीशे की बात कर लो विंडशील्ड, जो फ्रंट मिरर कहते हैं दोस्तों, जो एयर प्रेशर वगैरह पे हमें बचाता है, वहां पर रोड की सेफ्टी को यानी आपकी नजर कभी रोड से ना हटे वहां पर हेड अप डिस्प्ले होता है जो आप यहाँ शीशे पे देख सकते हैं हेड अप डिस्प्ले। तो आपकी नजर कभी इधर उधर कहीं उधर नहीं जाती, आप चुपचाप रोड को देखते रहते हैं हेड अप डिस्प्ले की मदद से। तो ये भी इस तरह की चीजें जनरली एयरक्राफ्ट में पायलट वगैरह को हमेशा अलर्ट रहने के लिए इस तरह के हेड अप डिस्प्ले होते थे। इसके अलावा मिलिट्री एविएशन वगैरह में है ना जो पायलट होते हैं उनकी निगाह हटनी नहीं चाहिए, इसके लिए हिंड हेड ऑफ डिस्प्ले यूज किए जाते हैं जो हमेशा ड्राइवर को या पायलट को सामने विंडशील्ड पर क्या होते हैं कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक अगला कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं हिल स्टार्ट असिस्ट या हिल कंट्रोल। आपने देखो जब हम पहाड़ों पर चलते हैं और एक गाड़ी से तो ध्यान दिया होगा एक हाथ में हमारा क्या होता है कि हैंड ब्रेक होता है और दूसरी तरफ देखो तो पैर पे हमारा क्लच भी होता है जो धीरे धीरे हम दबा रहे होते हैं ताकि गाड़ी जो है वो अगर चढ़ाई पर है तो बैक ना हो। एग्जैक्टली उसी तरह का कंट्रोल जो हम मैनुअली करते हैं यहां पर वो ऑटोमेटिक होगा, यानी हैंड ब्रेक और क्लच है ना, हैंड ब्रेक क्लच और एक्सेलरेटर का एक बैलेंस। अब कहने का तो जो लोग गाड़ी चलाते हैं या चलाए हैं या चलाना जानते हैं वो अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसी तरह का जो एक सिस्टम जो है मैनुअली लगाते हैं यहाँ पर वो सिस्टम दोस्तों गाड़ी के अंदर खुद ही लगा लगाया होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ जो क्या करता है किसी प्रिवेंट करता है किसी स्लोप एरिया पर कार को पीछे लौट जाने से बचाने के लिए और गाड़ी को वहां बैलेंस करके रखता है। एग्जैक्टली ये सिस्टम उसी तरह से काम करता है जैसे हैंड ब्रेक हिल स्टार्ट पर हम काम करते हैं, ये उसी तरह काम करता है। यहाँ ड्राइवर पूरी तरह से जैसे कि एंगेज होता है कि नॉर्मल तरीके में कि हैंड ब्रेक भी लगा रहा है, कार मोमेंटली धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, पुलिंग अवे ऑन द इंक्लाइन सर्फेस, मतलब जो मैंने आपको बोला तीन चीजें एक साथ काम कर रही हैं वहां पर वो तीनों चीजें सेंसर्स की मदद से गाड़ी जो है आप याद रखिएगा। अगर आप नए हैं थोड़ा आपको गाड़ी बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है तो भी हिली एरियाज में गाड़ी आपको स्लोप पे नहीं ढंकेगी नहीं गिरेगी, कहने का मतलब ये है। आगे बात करते हैं दोस्तों ईएसपी सिस्टम के बारे में। ईएसपी सिस्टम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। ये तब होता है जब ड्राइवर अपना कंट्रोल खो देता है, उस केस में जनरली क्या होता है पूरी तरह से व्हील स्पीड सेंसर्स होते हैं, स्टेयरिंग व्हील एंगल होते हैं, लेटरल एक्सेलरेशन होते हैं, यानी कहने का मतलब ये सबको मॉनिटर करता है कि जो पहिया है कितनी स्पीड से घूम रहा है, उसमें स्टीयरिंग जो है व्हील का वो किस हिसाब से घूम रहा है, स्टीयरिंग जो हम चलाते हैं किस हिसाब से घूम रहा है, और जो लैटरल एक्सेलरेशन है बगल में गाड़ी किस तेजी से मुड़ रही है, इन सारी चीजों को क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ढंग से देखता है और ये काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम में सारी चीजें यानी जैसे एबीएस होता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम होता है ना, इसके अलावा जैसे ट्रेडिशनल कंट्रोल सिस्टम और एक्टिव या कंट्रोल जैसे अन्य भी तरीके होते हैं जो बैलेंस किए जाते हैं और इस तरह करते हैं मतलब किए जाते हैं, इसकी वजह से पूरा का पूरा जो व्हीकल होता है वो पूरी तरह से स्टेबलाइज होता है और गाड़ी में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको मैं दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम काम कैसे करता है। इस वीडियो को देखिएगा, इसके थ्रू आप पूरा अच्छी तरह से समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। ये कार है दोस्तों,
ये सारा का सारा जो व्हील है उसका एक कंट्रोल है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, जो सारे के सारे सिस्टम, जो व्हील और स्टेयरिंग, ये व्हील और स्टेयरिंग समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल यहाँ पर है जो किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, अगर दोस्तों ये आप चल रहे हैं और अचानक कोई ऑब्स्टेकल आपके सामने आता है, आप ध्यान देना जरा, इस वीडियो में ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ जो घटना हो रही है आप देखते जाइए, ये गाड़ी अपना जोर से चल रही है, फास्टली चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, देखते जाइए, ये गाड़ी अपनी चल रही है, ठीक है। अचानक जब कोई गाड़ी सामने आती है, बगल आती है, तो आपका क्या कंट्रोल हो जाता है, स्पीड, आपका स्टेयरिंग, सब कुछ। और यहाँ देखो आप भिड़ जाते हो और यहाँ पे अपनी गाड़ी मुड़ जाती है, ठीक है। ये वो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी ना होने से गाड़ी के साथ ऐसा हादसा होता है, ठीक है। ये एक सडन ऑब्स्टेकल आने पे, अचानक कोई चीज आ जाने से आपकी स्टेयरिंग, आपकी स्पीड, आपका लेटरल लेटरल आपका जो टर्न होता है, सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, तो बैलेंस नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम बहुत कमाल का है। देखो अब यही चीज जो अभी हुई ना, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम की वजह से, ये देखो गाड़ी सामने आई, अचानक बस ट्रक आई, ये देखो गाड़ी ने अपने आप ही अपने आप का बैलेंस कर लिया, देखो गाड़ी अपने आप सीधी निकल गई। देखो ये गाड़ी अपने आप सीधी निकल गई, कहीं गाड़ी नहीं मुड़ी, कहीं नहीं लड़ी। इसमें इवन ड्राइवर जो है पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी का पूरी तरह से कंट्रोल हो गया, क्योंकि इसमें एक साथ एबीएस भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी भी, मतलब मेनी एप्लीकेशन जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं सारी चीजें काम कर रही है, और सबको मर्ज करके इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है वो काम करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों एक अगली सेफ्टी, जिसे हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन एयरबैग। बहुत बड़ी बात है, अभी तक आपने सुना होगा कि एयरबैग गाड़ी के अंदर लगा होता है हमें बचाने के लिए, अंदर हमें बचाने के लिए, और पेडेस्ट्रियन एयरबैग होता है जो पैदल चलने वाले यात्री उनको बचाने के लिए। इंटरेस्टिंग दोस्तों, इस तरह की चीज जो है पेडेस्ट्रियन एयरबैग, ये वॉल्वो लेकर आया है, पहली बार वॉल्वो कंपनी लेकर आया है पेडेस्ट्रियन एयरबैग। ओके, पेडेस्ट्रियन एयरबैग जो है वॉल्वो कंपनी लेकर आया, पहली बार जिसमें अंदर लाया गया वॉल्वो V40 के अंदर लाया गया पेडेस्ट्रियन एयरबैग। ओनली एक तरह की ऐसी इस तरह का फीचर है जो पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा करता है, कोशिश करता है कि उनको किसी भी तरह का मिनिमाइज, मतलब इम्पैक्ट जो हो, कोई बल या कोई गाड़ी सामने आ रही हो तो गाड़ी से ही पेडेस्ट्रियन एयरबैग निकले और उनकी जान को बचाया जा सके, जिसकी वजह से उनका जान बच जाए, उनको नुकसान ना हो, उनको चोट ना लगे, इस तरह की चीजें होती है। लेकिन पेडेस्ट्रियन एयरबैग जो होता है जनरली वो उस केस में खुलता है जब, हाँ कुछ चीजें ध्यान रखना, ये जनरली ये गाड़ियों में उस स्पीड पर खुलता है जब गाड़ियां उस स्पीड से चलती है जो जनरली शहरों के अंदर स्पीड होती है, क्योंकि आप जानते हैं शहरों के अंदर रश बहुत होता है, और यह स्पीड तकरीबन 12 माइल पर आर या 31 माइल पर आर इसके बीच में होता है जनरली, तभी इस तरह के एयरबैग खुलते हैं और इस तरह से जो पेडेस्ट्रियन होते हैं उसकी जान बच जाती है। सभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, उस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा पेडेस्ट्रियन एयरबैग कैसे काम करता है, आप इस वीडियो को देखना और इस वीडियो के थ्रू आप समझने की कोशिश करना। ये वॉल्वो V40 है और ये शख्स आपको समझा रहा है कि किस तरह से पेडेस्ट्रियन एयरबैग है जो काम करता है। ये गाड़ी आई आपके सामने है, या बम्फर पर गिरते हैं, बम्फर पर गिरते हैं, आप पेडेस्ट्रियन एयरबैग शीशे के ऊपर खुल जाता है, आपका पूरा का पूरा फोर्स जो होता है उस एयरबैग पर पड़ता है, आपको किसी तरह की कोई हेड इंजरी नहीं, कोई इंजरी नहीं होती। इन चीजों को इस वीडियो के अंदर ढंग से समझाया गया है जिसे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले जिसने दिया वो V40 ने दिया, जो इस वीडियो में आप देखकर इन चीजों को ढंग से समझ सकते हैं। आप बिल्कुल फोकस कीजिए, आप चुपचाप इस फिगर को देखे, आप इन फिगर को देख के आप समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली होता क्या है। तो ये एयरबैग है जो निकाला गया है और आपको दिखाया गया है कि जो जो भी चीजें हैं, जो आगे बोनट है, बोनट उठ जाता है, उसके साथ एयरबैग निकलते हैं, फाइन उसके साथ एयरबैग निकलते हैं और जो पूरा कंट्रोल करते हैं। आप देखते जाइए दोस्तों, उस वीडियो को फिर से यहाँ पे रिवाइंड कर रहा है, जिस चीजों को दिखाने की कोशिश की जा रही है आप इसे पूरे ध्यान से देखते जाए। ये कुछ YouTube के वीडियोस हैं जो मैंने लिए हैं और उनके क्रॉप करके मैंने आपको दिखाया। ये देखिए दोस्तों किस तरह से काम हो रहा है, ये है इंसान गिर रहा है पूरी तरह से, ये पूरा सिस्टम है जो काम करता है। यहाँ बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं होता, मत सोचना कि कोई जो मिरर है मिरर टूट जाएगा, बिल्कुल नहीं टूटता दोस्तों, ये पूरी तरह से सेफ्टी है और इस सेफ्टी के दम पे पूरा काम होता है। आगे बढ़ते दोस्तों, जो गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियों में अपना पूरा का पूरा स्पीड कंट्रोल करने के लिए गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल होते हैं। अब बात होती क्रूज कंट्रोल क्या होते हैं।
आइए दोस्तों क्रूज कंट्रोल पर जाते हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्रूज कंट्रोल में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, जो क्रूज कंट्रोल होता है उसके बारे में बताऊं। जब आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की ड्राइविंग पर जाते हैं, तो जनरली आप थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, और इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका व्हीकल जो है वो क्रैश हो जाए, आप गलती से सो जाएं या बैलेंस ना हो पाएं, अपना आपा खो दें। इस तरह की चीजें होती हैं। इसके लिए गाड़ी को अमूमन क्रूज कंट्रोल पर सेट कर देना। देखिए आपके पास ये गाड़ी में क्रूज कंट्रोल सिग्नल है, आप क्रूज कंट्रोल सिग्नल को अगर सेट कर देते हैं तो गाड़ी अपने आप को बैलेंस कर चलती है। अब क्रूज कंट्रोल कैसे होता है, किसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। अभी यहाँ देखिए दोनों, क्रूज कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एक ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है जो गाड़ी की स्पीड का कंट्रोल करता है। लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ हाईवेज वगैरह में जब हम जनरली किसी कॉन्स्टेंट स्पीड से चलना चाहते हैं, कांस्टेंट फ्लो ऑफ ट्रैफिक होता है, तो वहां पर क्रूज कंट्रोल अच्छा विकल्प होता है। क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी को डाल दें, स्पीड के थ्रू हम चलते चले जाएं। इसकी वजह से जनरली क्या होता है, ड्राइवर अगर विदाउट एनी आउटसाइड इंटरवेंशंस, बिना किसी बाहर के डिस्टरबेंसेस के, मतलब किसी भी तरह का डिस्टरबेंसेस है, तो पूरी तरह से गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करके और गाड़ी को बचाकर हिफाजत से ले जाता है। छोटी बहुत भी अगर एरर्स होते हैं उस केस में भी। क्रूज कंट्रोल जनरली दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं डायनेमिक क्रूज कंट्रोल और दूसरा जिसको हम कहते हैं एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। डायनेमिक क्रूज कंट्रोल क्या होता है एग्जैक्टली, यहाँ पे कोलिजन जो होते हैं, जो भिड़ंत होती है उसको बचाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो भिड़ंत होती है, नॉट एग्जैक्टली अ कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। उसके साथ ही यहाँ पर एक चीज और होता है दोस्तों, ये डिजायर्ड व्हीकल की जो स्पीड होती है उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। यानी कहने का मतलब ये सिर्फ कोलिजन को ही बचाने की कोशिश नहीं करता है, साथ ही साथ इसमें जो डायनेमिक होता है ये गाड़ी की स्पीड को भी कम और बैलेंस करने की कोशिश करता है। इस तरह का कंट्रोल सिस्टम जो होता है एडाप्टिव कंट्रोल क्रूज सिस्टम जो होता है, ये जनरली बहुत सारे कारों में देखो तो आपको लगा मिलेगा, जहां पर जनरली जो होता है जो डायनेमिक क्रूज कंट्रोल नहीं होते हैं उनको एब्सोल्यूट तरीके से, है ना, उनको एब्सोल्यूट करने की मतलब एब्सोल्यूट किया जाता है। यहां जनरली होता क्या है कि जो कार एक होल्ड एक स्पीड में चलती है, बट अपनी 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 जो ट्रैफिक वगैरह जो होता है वो अगर बदलता रहता है, मतलब एक कांस्टेंट ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक बदलता रहता है, तो यहां पर गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन सिस्टम काम करता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, डायनेमिक क्रूज सिस्टम में क्या होता है, एक डिजायर्ड व्हीकल स्पीड होती है जो मेंटेन होती है, यहां पर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वगैरह सिस्टम भी काम करता है और एक्सेलरेशन को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, जो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल में होता है दोस्तों। रडार जो सेंसर होते हैं कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या, जो रडार होते हैं वो पूरी तरह से जो डिस्टेंस होता है व्हीकल का जो गाड़ी के सामने होता है उसको मॉनिटर करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। ऑटोमेटिक तरीके से पूरे स्पीड को एडजस्ट किया जाता है, पूरी तरह से हम जो डिस्टेंस होता है गाड़ी के सामने उसको मेंटेन किया जाता है, और यहाँ पे भी पूरी तरह से रियर एंड कॉलिजन, मतलब जो फ्रंट से जो गाड़ी का कॉलिजन होता है उसको बचाया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों डायनेमिक क्रूज कंट्रोल कैसे होता है, कैसे जो गाड़ी होती है कांस्टेंट स्पीड से जब चल रही हो तो कैसे होती है। ओके, स्पीड और सब कुछ मेंटेन कैसे होता है, अचानक कोई बीच में कुछ आ जाए। ओके, जैसे कहते हैं ना एक कांस्टेंट ट्रैफिक है तो डायनेमिक क्रूज कंट्रोल कोई दिक्कत नहीं है, अचानक ट्रैफिक बढ़ता है घटता है उस केस में एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल गाड़ी को बचाने की कोशिश करता है। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले के वीडियोस में दिखाया, अगर ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा तो आप इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल तरीके से आप समझ जाएंगे दोस्तों कि क्रूज कंट्रोल कैसे होता है। आप इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा। ओके, आप इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों गाड़ी है, ये गाड़ी चल रही है, इस पूरे कार को आप देखते जाइए जो आगे बढ़ रही है, आप बढ़ते जाइए, जहां पे जो चीजें होंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। ये देखिए दोस्तों गाड़ी के पास ऐसे रडार सिस्टम है जिसकी वजह से गाड़ी ने क्या कर रखा है, सामने वाली जो कार है उसके डिस्टेंस को वो मेंटेन करके रखे। अचानक कोई कार आपके बीच में आती, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ये कार आपके बीच में आती, जैसे ही कार आपके बीच में आती आपका जो डिस्टेंस पहले रेड वाली कार के साथ जो था, अब वो डिस्टेंस आपका आगे सामने वाली कार के साथ फिर मेंटेन हो जाता है। यानी कहने का मतलब है आपकी कार अपने आप ही ब्रेक लगाकर अपने आप को पीछे कर लेती है, अचानक बीच में आने वाली गाड़ी के सामने फिर ये गाड़ी फिर उसी डिस्टेंस पे आ जाती है। यानी कहने का मतलब अगर आप चलते हैं, ये देखिए दोस्तों ये आपकी गाड़ी अपने आप स्लो हो गई और सामने कोई बीच में अचानक गाड़ी आई है तो फिर आपने वो डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। ये देखिए ये डिस्टेंस, पहले ये वाली गाड़ी थी जो आपके सामने थी, ठीक है, अब अपने आप आपका ब्रेक लग जाता है, गाड़ी अपने आप स्लो हो जाती है, तो आप हमेशा गाड़ी का एक डिस्टेंस बना के रखते हैं।
इस वीडियो को देखना दोस्तों, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप जब इस गाड़ी के करीब आते, मान लो ये गाड़ी आपके बीच में आती फटाफट, आपके सामने ये गाड़ी थी, अचानक रेड वाली गाड़ी यहाँ किनारे से आपके एंटर कर जाती, तो ये जो गैप था ना, वो गैप फिर से इन दोनों के बीच में फिर बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर यह सेंसर होता है, ये सेंसर अपने आप ब्रेक लगा देता है और गाड़ी का कॉलिजन होने से बचाता है। तो फ्रंट का, इस गाड़ी के फ्रंट में जो होता है कॉलिजन नहीं होता है, जो इस वीडियो में समझाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, अपने आप सामने जाती गाड़ी की स्पीड कम हो जा रही है और कॉलिजन्स को मिटिगेट कर दिया जा रहा है। जो कॉलिजन होता है उसको काफी हद तक कंट्रोल कर दिया जा रहा है। ये था वो सारा का सारा जो सिस्टम, जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जो गाड़ियों में लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम गाड़ियों में यूज कर रहे हैं, बहुत सारे जैसे व्हीकल्स वगैरह का वेट काफी कम हो रहा है और आप सब जानते हैं अगर व्हीकल का वेट अच्छा होगा तो व्हीकल की स्पीड अच्छी तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं और व्हीकल का जो माइलेज होगा वो भी ज्यादा अच्छा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि छोटी गाड़ी की स्पीड और माइलेज ज्यादा होता है बड़ी गाड़ी की अपेक्षा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एडवांस ऑटोमेटिव मटेरियल्स पर आते हैं, ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो एक विकल्प के रूप में भविष्य में हम गाड़ियों वगैरह में यूज करेंगे, जिसके बारे में भी साइंस रिपोर्टर में आर्टिकल दिया हुआ है दोस्तों। अमूमन जो हम यूज करते हैं वो स्टील या एल्यूमिनियम टाइप की चीजें यूज करते हैं, जो हम अपने कार वगैरह में बनाते हैं इन चीजों को यूज करते हैं। आजकल आप देखो तो हाई क्वालिटी के प्लास्टिक आ गए हैं जो बहुत ही कम वेट के होते हैं और इनको आसानी से हम मोल्ड भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कमजोर नहीं होते, ये बहुत स्ट्रांग भी होते हैं। आजकल जो आप इन चीजों को देखते हैं दोस्तों, इनके विकल्प के रूप में, मतलब स्टील और एल्युमिनियम के विकल्प के रूप में मैग्नीशियम भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ही हल्का मेटल होता है और ये ऐसा मेटल है जिसको हम आसानी से शेप दे सकते हैं और इसकी जो डेंसिटी होती है वो एटमोस्ट 1.5 टाइम्स लेस डेंस होता है एल्युमिनियम से। यानी एल्युमिनियम के कंपेरिजन में देखो तो ये बहुत हल्का है, डेंसिटी भी कम है, तो ये मटेरियल अच्छा एक ऑप्शन है जो हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। जो व्हील्स वगैरह होते हैं वो मैग्नीशियम के अगर हम बने होते हैं तो वो सिग्निफिकेंटली, जो पहिए होते हैं इस तरह के व्हील अलॉयज होते हैं, वो काफी हल्के होंगे एल्युमिनियम अलॉय की अपेक्षा जो व्हील्स में होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अल्टरनेटिव मटेरियल्स में देखो तो टाइटेनियम भी एक अच्छा विकल्प है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, ये सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो फ्यूचर में स्टील और एल्युमिनियम की जगह पर प्रयोग में होंगे और इनकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है दोस्तों, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जहां पर बिना तार के, बिना वायर के हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करेंगे। क्या है ये टेक्नोलॉजी, कैसे ये काम करती है, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर आपको एक पिक्चर दिखाता हूं जहां पर एक टावर लगाया गया है और इस टावर की मदद से वायरलेस ट्रांसमिशन किया गया है। तो वायरलेस ट्रांसमिशन कैसे किया गया है, इस तार की मदद से, आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जो सिस्टम है उसका नाम है वायरलेस पावर ट्रांसफर, ओके, और ये आज के दिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज हमारी लाइफ में जुड़ने वाली है। आजकल देखो बहुत सारे ऐसे चार्जर हैं जो वायरलेस चार्जर हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, इवन आईफोन 8 में देखो वायरलेस चार्जर अवेलेबल है, भले वो वायरलेस चार्जर जो है वो कंपनी नहीं दे रहे हैं, अब बाहर से किसी और कंपनी का वायरलेस चार्जर ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी आज मोबाइल फोन में भी आपके सामने है जो आप देख सकते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें, वायरलेस चार्जर के बारे में बात करें, तो जो एसी इलेक्ट्रिसिटी के जो फाउंडर हैं जिनका नाम है निकोला टेस्ला, इन्होंने सबसे पहले, है ना, द फाउंडर ऑफ निकोला टेस्ला जो भी है, मतलब निकोला टेस्ला नहीं, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कर वायरलेस चार्जिंग की बात की थी, ओके, जो फाउंडर है एसी इलेक्ट्रिसिटी का, जिसने एसी इलेक्ट्रिसिटी यानी अल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी डेवलप किया निकोला टेस्ला, इसने ही सबसे पहले वायरलेस चार्जिंग को यूज डेवलप किया है। लेकिन इस चार्जिंग के थ्रू इन्होंने जो डेटा या पोटेंशियल यूज किया है वो 10^8 वोल्ट का ही इलेक्ट्रिक पावर, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर को लगभग 25 माइल तक के डिस्टेंस को भेजा है, जिसकी मदद से तकरीबन 200 बल्ब को जलाया जा सकता है, ओके, या कह लो एक इलेक्ट्रिक मोटर को हम चला सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का वो निकोला टेस्ला के द्वारा हुआ है, ये चीज आप याद रखना। यहाँ पे डोंट थिंक सो कभी 10^8 वोल्ट की बात करेगा, कितनी डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिसिटी भेजी गई है बिना वायर के, इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। ये एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना जो पहली बार किया गया। 1901 में टेस्ला ने, है ना, निकोला टेस्ला जो मैं बता रहा था, एक टावर बनाया जिसका नाम था वर्डन क्लिफ टावर, और ये टावर का पिक्चर यहाँ पे पीछे भी दिया था, यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है। एंड वर्डन क्लिफ टावर की मदद से यहाँ पे क्या किया गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को जो भी है, ये अमेरिका से यूरोप में भेजा गया, और जिस केस में आयनोस्फियर ने मदद किया, आयन मंडल ने मदद किया,
आपको शायद पता है यूपीएससी 2012 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आयोस्फियर नहीं होता, आप जानते हो ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, देन आयनोस्फियर, अगर आयनोस्फियर नहीं होता तो आज आप और हमारे हाथ में कभी भी ये मोबाइल फोन नहीं होता, ये मोबाइल फोन नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब है जो हम बातचीत करते हैं, हमारे जो वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स होते हैं, उन्हीं आयनोस्फियर की मदद से वो रिफ्लेक्ट दाखों के नीचे आते हैं और नीचे 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 चलते हैं। आप अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं इंडिया में हूँ, मानना कि मैं ऑलरेडी इंडिया में, और मैं अमेरिका कॉल करना चाहता हूँ। आप सब जानते हो इंडिया टू अमेरिका के बीच में ओशन है, लेकिन स्टिल माय कॉल विल कनेक्ट फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। क्यों? वो आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर की वजह से जो वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव रेडियो वेव्स, वो आयन मंडल के बाहर नहीं जाने पाते हैं, तो वो हॉरिजेंटल ही चलते हैं। इसलिए वो ओशन होने के बाद भी जो होता है वो सिग्नल ट्रांसफर हो जाता है। वही आयनोस्फीयर की मदद से जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो की गई है, और इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाया गया है उसी प्रिंसिपल पर। लेकिन याद रखना यहाँ पे भी जो वेव्स यूज किए गए हैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, रुक जाओ। चलो मैं बताई देता हूँ, जब मैंने बात खोली दी है तो यहाँ पे माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। मैं सोच रहा जब वो लाइन आएगा तब मैं वहां बताऊंगा। टेस्ला टावर ने जल्दी ये जो टावर बनाया है वो तकरीबन 185 फीट हाइट का है। इस पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी में जो एक छोटा सा मतलब मैसेज जो भी हुआ है, तकरीबन 2 लाख US डॉलर के आसपास खर्चा हुआ है। बाकी अभी ये चीज जो है अभी इसकी कमर्शलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन समय आने पर इसे हम कमर्शलाइज और करेंगे और नए नए और रिजल्ट आएंगे। आगे बात करते हैं 1920 से 30 के बीच में मैग्नेट्रॉन बनाए गए, मैग्नेट्रॉन बनाए गए। तो मैग्नेट्रॉन टर्म ये आपका की वर्ड है, इसको याद रखिएगा। मैग्नेट्रॉन की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको हमने माइक्रोवेव में कन्वर्ट किया। अभी मैंने आपको क्या बोला था, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स ऐसे वेव होते हैं जिनकी वजह से, जिनकी मदद से हमारा मोबाइल इंटरनेट डीटीएच काम करता है। और यहां हमने क्या कर डाला, यहां हमने क्या कर डाला, हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जहां मैग्नेट्रॉन हमने बनाया और मैग्नेट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने माइक्रोवेव में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब जैसे मोबाइल फोन से सिग्नल जाते हैं, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी को भी अब हम माइक्रोवेव के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से आपको क्लू समझ में आएगा जो मैं भी आपको तुरंत माइक्रोवेव के बारे में बोला था। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है ना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जहां इलेक्ट्रिसिटी को माइक्रोवेव के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम आगे भेजते हैं, यहाँ पे वायरलेस वायरलेस की टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे हम लॉन्ग डिस्टेंस तक भी सिग्नल को भेज सकते हैं। लेकिन शुरुआत के टाइम में, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मान लो एसी है, एसी को आपने माइक्रोवेव में कन्वर्ट कर लिया, ओके माइक्रोवेव में कन्वर्ट कर लिया, जिस जगह वो माइक्रोवेव आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर की मदद से ही माइक्रोवेव आगे बढ़ेंगे, ठीक है बढ़ेंगे, कहीं गायब नहीं होंगे। जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो यहाँ फिर माइक्रोवेव को फिर किस में कन्वर्ट करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ क्या था, एसी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो माइक्रोवेव पे कन्वर्ट हुआ, फिर वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने में आयनोस्फीयर ने हेल्प किया जैसे मोबाइल फोन में आयनोस्फीयर हेल्प करता है, और फिर यहाँ पर जब माइक्रोवेव आया तो फर्दर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए और फिर उसको हम यूज कर सकते हैं। फाइन, तो बिगिनिंग में इस तरह की चीजें डेवलप नहीं हो पा रही थी तो बहुत दिक्कत आ रही थी। 1964 में डब्ल्यू सी ब्राउन ने इस तरह की एक चीज डेवलप की जिसकी मदद से उन्होंने क्या किया, माइक्रोवेव को फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। इसके लिए उसने जिस चीज का बनाया उसका नाम था रेक्टेना। यानी दो चीजें याद रखनी, एक मैग्नेट्रॉन याद रखना है जिसने इलेक्ट्रिसिटी को माइक्रोवेव में कन्वर्ट किया, और दूसरा हमें रेक्टिना जान रखना है। रेक्टिना का मतलब होता है दोस्तों रेक्टिफायर और प्लस एंटीना। रेक्टिफायर का काम क्या काम होता है, रेक्टिफायर का काम होता है जो माइक्रोवेव को फिर से इलेक्ट्रिसिटी में बदल दे, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे। माइक्रोवेव के साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, आप खुद देखो जब बर्फ गिरता है या स्मोक होता है, धुआं होता है, रेन होता है, फिर भी हमारी कॉल कनेक्ट हो जाती है, जो मोबाइल फोन हमारा कनेक्ट होता है, नहीं हो जाती है। एग्जैक्टली इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर हम माइक्रोवेव के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं तो हमारा कॉल, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो बारिश भी हो, स्नो भी हो, तब भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता रहेगा। इसी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में विट्रिसिटी के नाम से बोला जाता है। वायरलेस पावर जो ट्रांसफर है इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस तकनीकी का यूज होता है, मैग्नेट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस तकनीकी का यूज होता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी लगभग 30 सालों तक है ना, मतलब इंडक्टिव पावर ट्रांसफर के थ्रू, इसमें हमने यूज यूज किया है। मैग्नेटिक वायरलेस पावर ट्रांसफर जो टेक्नोलॉजी, इसमें तकरीबन 6.5 फीट तक
इलेक्ट्रिसिटी को अराउंड 10 किलो वाट की इलेक्ट्रिक पावर को हम क्वाइल टू क्वाइल करके है ना भेजते हैं, और करीब 97% एफिशिएंसी के साथ, यानी ज्यादातर यहाँ लॉस नहीं होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं 97% के आसपास भेजते हैं। अभी दिखाऊंगा, एक क्वाइल से दूसरे क्वाइल में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है और यहाँ बीच में कोई वायर नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का कोई कहानी है, मतलब एक तरह का कंसेप्ट है जो काम करने वाला है, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ आते हैं, यहाँ जरा बात करते हैं, जो वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के अंदर दो चीजें हैं, दो तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। एक जिसको कहते हैं रेडिएटिव वायरलेस चार्जिंग, और दूसरे से कहते हैं नॉन रेडिएटिव वायरलेस चार्जिंग। रेडिएटिव वायरलेस चार्जिंग में जनरली क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो होती है दोस्तों, वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होती है, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होती है। यहां पर जनरली होता क्या है, यहां पर रेडिएटिव वायरलेस चार्जिंग जो होता है उसको हम यूज करते हैं ऑपरेट करने के लिए लो पावर रीजन में, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कम वोल्टेज की हो, कम पावर की हो। यहां पर एक चीज याद रखना, क्योंकि यहां पर सेफ्टी मेजर की बात होती है, यानी रेडिएटिव वायरलेस टेक्नोलॉजी में जनरली हम रेडियो वेव माइक्रोवेव के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन हम ज्यादा डिस्टेंस तक दे सकते हैं, ठीक है। नॉन रेडिएटिव वायरलेस चार्जिंग जो होती है, हम कपलिंग बेस्ड वायरलेस चार्जिंग भी कहते हैं। कपलिंग बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक क्वाइल और दूसरा क्वाइल, क्वाइल क्वाइल से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। एक मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाने वाला दोस्तों, उसके थ्रू आप पूरी तरह से समझ जाओगे कपलिंग का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कपलिंग जो होती है वो कई तरह की कपलिंग होती है, मैंने बोला ना दो तरह की चीज होती है, अभी मैंने आपको बोला, एक होता है रेडिएटिव वायरलेस चार्जिंग के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, और दूसरा नॉन रेडिएटिव वायरलेस चार्जिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। हम बात करने जा रहे हैं कि जो नॉन रेडिएटिव होती है, जिनको कपलिंग के थ्रू होता है, कपलिंग कई तरह के होते हैं, हम इन कपलिंग पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको आपको बताता हूँ, इनको इंडक्टिव कपलिंग कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस कपलिंग कहते हैं, और कैपेसिटिव कपलिंग कहते हैं, यानी वो कपलिंग तकनीकी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस से ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ स्ट्रक्चर में इन चीजों को दिखाया गया है, ओके, इस चीजों को दिखाया गया है। अब देखो, ड्यू टू सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन है ना, जो नॉन रेडिएटिव जो वायरलेस चार्जिंग है ज्यादातर आजकल हम यूज कर रहे हैं अपने जीवन चक्र में, ओके। नॉन रेडिएटिव का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, ये वाला जो है, फाइन, ये जनरली यूज किया जा रहा है, इसमें किसी तरह के इलेक्ट्रिक करंट या रेडिएशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्चुअल में इंडक्टिव इंडक्टिंग चार्जिंग, यानी इस तरह के सिस्टम में होता क्या है, आजकल जो वायरलेस चार्जर जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो इंडक्टिव चार्जिंग की तकनीकी पर ही विकसित है, जहां ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, ट्रांसमीटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, रिसीवर होते हैं जिनको ग्रहण करते हैं, और ये दोनों क्वाइल से क्वाइल के बीच होते हैं। ये आप जान लो, मान लो कि ये ट्रांसमीटर है, मान लो कि ये ट्रांसमीटर है जहां से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रही है आगे बढ़ा रहे, और ये जो है क्वाइल, ये रिसीवर लगे हुए हैं, ये क्या है, रिसीवर लगे हुए। तो यहाँ पे जो ट्रांसमीटर, ये देखो यहाँ भी क्वाइल है, यहाँ भी क्वाइल है, वही मैं बोला था क्वाइलिंग क्वाइलिंग, ठीक है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हम कंडक्टिविटी को कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, बीच में कहीं पर भी कोई तार नहीं है, लेकिन ये वेव जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं, इस क्वाइल से इस क्वाइल में जाते हैं, यही मैं आपको बोल रहा था नॉन रेडिएटिव, जहाँ पे क्वाइल टू क्वाइल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। इसको ना एक छोटा सा मैं वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो के थ्रू आप समझने की कोशिश करना, इस वीडियो में एक्चुअल में है क्या, जरा समझना दोस्तों, ओके। देखो, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट किया है, ये एक क्वाइल है, ये क्वाइल है, इस क्वाइल में जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट की, यहां से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी टाइप की चीजें जनरेट होंगी, देखो ये जनरेट होगी। अब इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो गया, ये फील्ड जनरेट हो गया, इस फील्ड के पास जो भी क्वाइल होगा, जैसे ये क्वाइल इसके ऊपर है, ठीक है, ये क्वाइल के अंदर फील्ड टू फील्ड क्या होगा, ये देखो, ये फील्ड पूरा है, इसमें ये क्वाइल टू क्वाइल है, तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी इसके पास जनरेट हो जाएगी। अब देखो, जो आजकल वायरलेस चार्जर आता है, समझ में आ रही बात, वायरलेस चार्जर में क्या कर रहे हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस से कनेक्ट कर दिया, ये आपने रख दिया, आप ऐसे रख दो, कोई इशू नहीं, आपने इसको ऐसे रख दिया, ये मान लो ये वायरलेस, आपने इसको ऐसे रख दिया, जैसे ही आप फोन को इसके ऊपर रखते हो, ये देखो आपने फोन को इसके ऊपर रखा है ना, यहाँ एग्जैक्टली नहीं, अगर आप डिस्टेंस से भी रखो, बीच में कनेक्ट नहीं है, डिस्टेंस से भी है, तो भी ये देखो उस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ रहा है कि नहीं, गैप में आ रहा है, एग्जैक्टली गैप में आ रहा है। ये जो यहाँ पे दोस्तों बना हुआ है, ये जो यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो है ना, ये गैप ही तो है, इस गैप के थ्रू, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आप आराम से ट्रांसफर कर दो। इस वीडियो को प्ले करने पर आप सारी चीजें खुद देख लो, आपको समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप खुद देख लो हो क्या है, ये पूरा का पूरा कपलिंग है और क्वाइल टू क्वाइल डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये देखो। अब इससे आप
ब्रश कर लो, कुछ भी कर लो, कैसा ब्रश है जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो वो सारा का सारा वीडियो यहाँ दिखा रहे हैं। और जैसे ही आपने ऊपर किया, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, बंद हो गई। अब इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और हैं, इस पिक्चर को देख लो। फिलहाल आई डोंट थिंक सो इसको ज्यादा देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल से आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई। रेजोनेंस वगैरह कैसे आते हैं, कि कम टेम्परेचर वगैरह पे कैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ वीडियो दिया गया है जिसके बारे में समझाने की कोशिश की गई कि रेजोनेंस कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी में रेजोनेंस कैसे काम करता है। फिलहाल हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है कि रेजोनेंस कपलिंग कैसे होती है। यहाँ पे सिर्फ आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्वाइलिंग हो रही है, क्वाइलिंग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है अगल बगल, और ये वायरलेस है, कहीं भी वायर का सोर्स नहीं है। ये दूसरा क्वाइल है जो इस रेंज के अंदर आता है, जैसे रेंज के अंदर आता है इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटिविटी शुरू हो जाती है, इससे आप दूसरा शुरू कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट अब यहाँ से कोई चीज़ कनेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कोई चीज़ आप कनेक्ट कर लीजिए, तो इस तरह करते करते आप दो तीन चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते। फिर यहाँ पे एक क्वाइल और लगा लीजिए, ये देखिए क्वाइल और आ जाएगा। हाँ, इससे आप चाहें तो गाड़ी को चार्ज कर लीजिए। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से आप गाड़ी को चार्ज करके फिर आप चल रहे हैं, और ये देखिए मोबाइल फोन को चार्ज कर लीजिए, कहीं पर भी वायर है नहीं। और एक डिस्टेंस से, एक डिस्टेंस से, एक डिस्टेंस से, यानी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, तार कहाँ है, जैसे घर का वाईफाई जो है कहाँ, एक जगह लगा रखा है, और वो काफी दूर तक जो है उसके 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 साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली उसी तरह देखिए टीवी भी चल रहा है वायरलेस सिस्टम से। फाइन, ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो यहाँ पे काम कर रहा है, जो मैंने बता दिया नॉन रेडिएटिव तरीके से। फाइन, अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं सोलर बेस्ड सैटेलाइट पावर। बहुत नई चीज है अपने आप में, और यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि एक सैटेलाइट है। ओके, ये एक सैटेलाइट है जो कि, और ये एक जमीन है, ये ग्राउंड 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 है दोस्तों, ये जमीन है और ये सैटेलाइट है जो कि किसी हाइट पर है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि सैटेलाइट पे एक सोलर पैनल, एक नहीं बहुत सारे सोलर पैनल है, सोलर पैनल के ग्रुप है, बहुत सारे सोलर पैनल, ग्रुप ऑफ सोलर पैनल को हम सोलर अरे बोलते हैं, ARRAY, अरे। अरे का मतलब होता है अरे, सजावट, अरेंजमेंट। ओके, ये क्या होता है, जो सनलाइट्स होते हैं उनको एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व क्या करता है, सन से ट्रांसमिटी होती है, सनलाइट आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट करके फिर अर्थ पे कैसे, माइक्रोवेव के थ्रू। अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किया था, ओके, ये माइक्रो मैग्नेट्रॉन उस तरह की टेक्नोलॉजी से हम उसको क्या करते हैं, अर्थ पे भेज देते हैं। ये, और इस अब आप बोलोगे सर क्या पृथ्वी पर सोलर पैनल जो लगा रहे थे, अब उसको अब हटाकर आप कह रहे हो सैटेलाइट में इस तरह की चीजें हम लगाएं, ऊपर ले जाकर हम सोलर पैनल लगाएं। एग्जैक्टली, अब इसके पीछे रीजन क्या है सर, इसमें खर्चा तो बहुत आएगा, खर्चा आएगा, लेकिन यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जहां पर यह बताया गया है कि यहाँ पर सोलर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। आप दोस्तों एक बात बताओ, अगर आप थोड़े हाइट पर जाते हो, आप जब पृथ्वी के करीब होते हो तो एटमोस्फियर होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये सोलर इंटेंसिटी को कम करते हैं। एनवायरमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाता हूँ, वहां मैं आपको एक ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल डिमिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। डिमिंग क्या होता है, जब एरोसॉल पार्टिकल्स हवा में सस्पेंडेड, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, धूल के गद्दे, एरोसॉल्स, ये जब हवा में इकट्ठे होते रहते हैं दोस्तों, तो उसकी वजह से सोलर इंटेंसिटी कम हो जाती है जमीन पर। ऊपर तो सोलर इंटेंसिटी अच्छी है, जब ऊपर सोलर इंटेंसिटी अच्छी है तो ऊपर सोलर पैनल ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा चार्ज होगा। उन्हीं बातों को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, इस तरह की चीजें, सोलर पैनल को उस स्पेस में लगाकर और उसके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके अर्थ में माइक्रोवेव वगैरह टेक्नोलॉजी के द्वारा भेजने की बात होती है, जो एक नए इनोवेशन है जिस पर बात हो रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर पावर सैटेलाइट। तो सोलर पावर सैटेलाइट क्या करेगा, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, फोटोवोल्टाइक एरे होंगे, बहुत सारे फोटोवोल्टाइक पैनल लगे होंगे स्पेस में उस जगह पर, और वो ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड पर माइक्रोवेव के द्वारा या लेजर बीम के द्वारा। यानी हम जो इलेक्ट्रिसिटी को भेज सकते हैं वो माइक्रोवेव के द्वारा भेज सकते हैं और लेजर बीम के द्वारा भी भेज सकते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो काफी कम है। अब बात ये होती है कि जो वहां पर जो पावर पर यूनिट एरिया जनरेट होता है स्पेस में सोलर पैनल से, वो 5 से 10 गुना ज्यादा होता है जो कि ग्राउंड पर होता है। मैंने अभी आपको बोला था, क्योंकि ग्राउंड पे डिमिंग होने की वजह से है ना, थोड़ा एरोसॉल और डस्ट और पॉल्यूशन होने की वजह से सोलर इंटेंसिटी कम आती है। पता है ग्लोबल डिमिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक शख्स था, उसका नाम था जेरॉल्ड स्टॉनहिल ने क्या किया दोस्तों, इस शख्स ने क्या किया, इसराइल में एक कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पे बहुत बड़ा एक रिसर्च साइंटिस्ट था ये। ओके, 1985 में इस शख्स ने सबसे पहले ग्लोबल डिमिंग के बारे में बताया कि पूरी दुनिया में क्या हुआ है, पूरी दुनिया में तो छोड़ो, 1950 से 1985 के बीच में, यानी 35 ईयर्स में क्या हुआ है, सोलर इंटेंसिटी इसराइल में तकरीबन 22% जमीन पर आनी कम हो गई।
और इसकी वजह से जो 22% कम हो गया है ना, इसकी वजह से वहाँ एग्रीकल्चर और बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे लॉस हुए। तो इस ये चीजें इसको सपोर्ट कर रही है कि ग्राउंड की अपेक्षा अगर वो हाइट पर होगा तो वहाँ सोलर डेंसिटी ज्यादा है तो पावर जनरेट ज्यादा होगा सोलर पैनल से। और कह भी रहे यहाँ पर जो लॉस होता है जो वायरलेस पावर ट्रांसमिशन में होता है वो इट इज लेस देन 50% से भी कम होता है। तो हम इसको एक अच्छा विकल्प सोच सकते हैं, देख सकते हैं। और जो अभी आपको बता रहा था जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या तो हम माइक्रोवेव के द्वारा भेज सकते हैं या तो फिर लेजर एनर्जी ट्रांसमिशन के द्वारा भी भेज सकते हैं। लेजर लाइट्स आपको मैंने पीछे की वीडियोस में अच्छी तरह पढ़ाए हैं कि एक ही कोहरेंट लाइट्स, मोनोक्रोमैटिक लाइट्स अगर हो जाए है ना और एक ही कलर्स में हो जाए तो इसको हम कहते हैं लेजर लाइट्स। और लेजर लाइट्स हो जाने से दोस्तों एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो वहीं पे बात की जा रही है एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होगा, जैसा कि माइक्रोवेव तकनीकी से हम लोगों ने देखा एग्जैक्टली उसी तरह के हम लेजर पे आधारित ट्रांसमिशन प्रणाली का भी यूज करेंगे और हम इलेक्ट्रिसिटी को लेजर लाइट्स के द्वारा भी भेज सकते हैं। तो लेजर लाइट के द्वारा भी भेजना एक तरह से वायरलेस का ही तरीका है। यहां पर सोलर इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरली एमीटर में कन्वर्ट कर और एमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होकर उसे हम लेजर बीम में कन्वर्ट कर और फिर उसको लेजर बीम से आगे बढ़ाते हैं। ओके तो यहां पर जो हम बढ़ाते हैं वो सोर्स जो होता है, तरीका जो होता है वो लेजर लाइट होता है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। लेजर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, एक ही तरह के लाइट्स होते हैं, मोनोक्रोमेटिक कहते हैं, एक ही कलर की लाइट्स होते हैं और ये हमेशा बेटर कंट्रोल करते हैं बीम वगैरह को। और आपको पता है लेजर से ना हम काफी दूरी तक लाइट्स को भेज सकते हैं, तभी हम स्पेस से और अर्थ पे आसानी से लाइट को भेजा जा सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी आर्टिकल है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी अगर आपने पेपर को देखो दोस्तों 10 साल के पेपर में तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए। मतलब दुनिया में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी थी 1984 में अलेक जेफ्रे ने इवॉल्व किया था। ओके और ये शख्स जो थे वो लीस्टर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी को इवॉल्व किया और एक तरह से एक रेवोल्यूशन लाया फॉरेंसिक साइंस में, इवोल्यूशन में, जेनेटिक रिसर्च में, मतलब बहुत ही बहुत मेनी 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 एरियाज में आप इसकी कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है। बाद में चलकर धीरे धीरे भारत में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत हुई। सबसे पहले भारत में जिनको क्रेडिट मिलता है दोस्तों डॉक्टर वी के कश्यप और प्रोफेसर लालजी सिंह, ये दो लोग ऐसे हैं जिनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट करने के लिए। और प्रोफेसर लालजी सिंह का अभी जल्दी ही दोस्तों 2-3 महीने पहले ही डेथ हुई है। ओके और ये कह दूं तो भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता हैं वो फादर हैं वो हम लालजी सिंह को ही कहते हैं। जब लालजी सिंह ने पहली बार इसका टेस्ट किया था तो उस समय वो सीसीएमबी के हेड भी थे। सीसीएमबी वो जगह है सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट हुआ था। और ये जो लालजी सिंह का बड़ा अच्छा रिपोर्ट भी रहा है, इन्होंने ही राजीव गांधी की जो डेथ हुई थी तो उस समय जब राजीव गांधी की बॉडी को आइडेंटिफाई करना था तो वहां पे सीसीएमबी और लालजी सिंह का बड़ा मतलब सीसीएमबी का बड़ा रोल रहा है। तो सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद, इसके अलावा और भी सेंटर है, सीडीएफटी है और भी एरियाज है। फाइन एक चीज बताऊं मैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इतना कारगर क्यों है दोस्तों? हम सब जितने भी लोग हैं हमें होते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? हम सब 23 पेयर क्रोमोसोम लेकर आते हैं, ठीक है। जब हम जायगोट बनते हैं अपनी मम्मा पापा के स्पर्म एंड एग के फ्यूजन से तो हम जायगोट होते हैं। जायगोट में पापा का 23 क्रोमोसोम होता है और मम्मा का 23 क्रोमोसोम होता है। ये 23 और 23 क्रोमोसोम मिलकर 23 पेयर क्रोमोसोम बन जाता है जिसको हम कहते हैं जायगोट। तो जब हम पैदा होते हैं दुनिया में तो 23 पेयर क्रोमोसोम लेकर आते हैं, 23 क्रोमोसोम पापा का, 23 क्रोमोसोम मामा का। पता है इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है दोस्तों? इस क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और ये जो डीएनए होता है या क्रोमोसोम जो होता है वो हमारी बॉडी के हर सेल में वही होता है। कहने का मतलब है जब हम बनते हैं पहले दिन तो हम जायगोट होते हैं। जो जायगोट के अंदर क्रोमोसोम होता है जब हम डेवलप होते हैं 9 मंथ और 6-7 डेज में, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं अपनी मम्मा की बॉडी के अंदर, तो हमारा जो सेल डिवाइड होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो वही क्रोमोसोम बढ़ते चले जाते हैं। और जब हम 9 मंथ 6-7 डेज के बाद 3 केजी के बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, तो उस बॉडी के अंदर बॉडी के हर सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और वो वही क्रोमोसोम होता है जो पहले दिन हमारे जायगोट में होता है। यानी कहने का मतलब है अगर हम पैदा होते हैं 3 केजी के बेबी में, हमारी बॉडी में हर जगह सेम क्रोमोसोम होता है, तो सेम क्रोमोसोम का मतलब क्या? सेम डीएनए होता है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। और ये डीएनए जो होता है दोस्तों हमारी पूरी बॉडी में, इस डीएनए के अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं।
वो डीएनए के अंदर क्या होती है उनको हम बोलते हैं बेस पेयर सीक्वेंस। इन बेस पेयर को कहते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, और यही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन को हम चेक करते हैं। जिस तरह का एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन हमारे हेयर में होता है, उसी तरह का ब्लड में होता है, उसी तरह स्किन में होता है, उसी तरह मसल में होता है, और पूरी बॉडी में डीएनए के जो बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं वो सेम होते हैं। एक बेस होता है एटी से जुड़ता है जी, एक बेस होता है जीसी से जुड़ता है, इसके एक ऑर्डर होते हैं। मान लो ये डीएनए है दोस्तों, ये मान लो एक डीएनए है, ओके, पहले पर एटी है, दूसरे पर टीए है, तीसरे ऑर्डर में टीए है, चौथे ऑर्डर में जीसी है, पांचवें ऑर्डर में सीजी है। तो ये जो ऑर्डर आपको हेयर में दिख रहा है, यही ऑर्डर आपको ब्लड में दिखेगा, मसल में दिखेगा, किडनी में दिखेगा, स्किन में दिखेगा, कहीं का भी देख लो। और पता है यही जो ऑर्डर है आपकी पूरी बॉडी के हर सेल में सेम डीएनए का सीक्वेंस है। तभी तो जब आप कोई क्राइम करते हो फिर भी आप पकड़े जाते हो। जैसे मैंने कहा कि मैंने मान लो कोई मर्डर किया, मर्डर कर जब मैंने किया तो मेरा कोई हेयर वहां गिर गया, स्लाइवा गिर गया, ब्लड गिर गया, ओके। अब डाउट जिस पे है, ठीक है, अब वहां पे जो एक ब्लड का सैंपल गिरा हुआ, डाउट मुझ पे भी है, मेरे साथ कुछ और लोगों पे, तो सबके हेयर हेयर का या मसल मसल का सैंपल ले लो, ओके, वहां ब्लड है, लेकिन अब मसल के सैंपल से भी मिला सकते हो, क्योंकि दो शख्स के अंदर जो डीएनए है ना, वो एक तरह के हो ही नहीं सकते, ठीक है। और लेकिन एक शख्स के अंदर बॉडी के हर सेल में सेम सेम डीएनए सीक्वेंस होता है, तो पक्का वो ब्लड वाला जो सेल होगा उसका डीएनए और मेरा जो हेयर वाला सेल होगा उसका डीएनए पूरी तरह से मैच करेगा, क्योंकि मेरी बॉडी में, पूरी बॉडी में सेम सेम डीएनए बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं। यही इंफॉर्मेशन है यहाँ पे लिखा गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूनिक होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है, बर्थ से लेकर पूरे टाइम के साथ बदलता नहीं है। जो आप में एक बार आ गया दोस्तों पूरी जिंदगी में ही रहता है, आपके हर सेल में, आपके हर टिश्यूज में, आपके हर ऑर्गन में, किसी एक इंडिविजुअल के अंदर सेम डीएनए सीक्वेंस पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बेसिक बता दिया है। एक शख्स किसी दूसरे शख्स से अलग क्यों होता है डीएनए के बेस पेयर के ऑर्डर के बेसिस पर? हम सब, जैसे मैं हूं, आप जो मुझे सर रहे, सब में भगवान ने 46 डीएनए दिया है, यानी 46 क्रोमोसोम दिया, लेकिन हम सब का डीएनए के अंदर जो बेस पेयर सीक्वेंस है, बेस पेयर सीक्वेंस जो मैं भी आपको बता रहा था, ए टी का पेयर, जी सी का पेयर पिक्चर बना के, वो सब हम सब में उसका क्रम अलग है, ऑर्डर अलग है, ठीक है, वो ऑर्डर अलग है, फाइन। इसी बेस पे मैं हूं, आप हैं, लेकिन याद रखिएगा हम, मेरी बॉडी में हर सेल में सेम ऑर्डर है, आपकी बॉडी में हर सेल में एक ऑर्डर, लेकिन आपका ऑर्डर, मेरा ऑर्डर, दोनों अलग है। मैं हूं, आप। डीएनए को पूरा नाम फिलहाल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसमें जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स होते हैं, इसी डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, इसमें बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, फास्फेट होता है, शुगर होता है। ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं उसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि डीएनए के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, प्लस फास्फेट पाया जाता है, शुगर पाया जाता है ना, इनसे मिलकर डीएनए बना होता है। और जो बेसिस होते हैं डीएनए के अंदर वो एडेनिन होते हैं, ग्वानिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं, थायमिन, जो मैंने अभी आपको पिक्चर करके दिखाया था दोस्तों। जनरली अगर हम किसी ह्यूमन की बात करें तो आपको मैं बताऊं, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट निकालने की बात थी, बनाने की बात थी, इसकी सफलता मिली दोस्तों 2003 में। ह्यूमन के अंदर कुल कितने जीन हैं, उस जीन के सम को अगर जोड़ लो तो हम कहते हैं जीनोम है। तो ह्यूमन के अंदर कुल आज तक हमने कितना जीनोम, यानी कुल कितने जीन ढूंढ लिए हैं, तो तकरीबन 40,000 जीन के बाद जीन तक हमने ढूंढ लिए, ओके। और ये 40,000 जीन ही हमारे शरीर के कोई ना कोई कैरेक्टर बना, जैसे मेरी आंख काली है, मेरा हेयर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मेरी स्किन थोड़ी गोरी गोरी है ना, जो भी है, व्हाटएवर है ना, मेरे नोज कैसा है, मेरा आई कैसा है, ये सारे के सारे ना हमें कैरेक्टर्स हैं। और ये कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में किस फॉर्म में बनते हैं दोस्तों, प्रोटीन के फॉर्म में बनते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि जो 40,000 जीन है वो सब अपना कोई ना कोई प्रोटीन के फॉर्म में कोई ना कोई कैरेक्टर बनाते हैं, और ये वही जीन है जो हमारे 46 डीएनए के अंदर है, ओके। इन्हीं सारे जीन को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, हमारा जीनोम है। तो अगर मेरे अंदर जितने भी जीन है सारा मैंने जोड़ लिया कि इतने जीन मेरे अंदर से मैं बनाऊं, तो ये हमारा जीनोम कहलाता है। जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दो नाम है हमेशा याद रखना, अगर आपके पेपर में आता है, एक जिसको वीएनटीआर कहते हैं और दूसरा जिसको आरएफएलपी कहते हैं। VNTR दोस्तों कहते हैं, असल में होता क्या है कि बहुत तरह के रिपीटेड सेगमेंट्स होते हैं, जो लगातार रिपीट सेगमेंट्स होते हैं, जिनकी रिपीटेशंस होती हैं।
वेरिएबल नंबर इन इन इस तरह के रिपीटेड सीक्वेंस जो बार बार दोबारा आते हैं, फिर वो सीक्वेंस आते हैं, सीक्वेंस किसका, बेस पेयर का, डीएनए बेस पेयर सीक्वेंसेस का जो ऑर्डर होता है, उनको 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 यूज करने की जरूरत पड़ती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। उसके लिए वीएनटीआर और आरएफएलपी का यूज किया जा रहा है, यानी वीएनटीआर और आरएफएलपी का यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है। आप सिर्फ सुपरफिशियल से नाम याद रखिएगा, जहां वीएनटीआर का पूरा नाम है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, और आरएफएलपी का पूरा नाम है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक। पहले जो था वो अगर हम देखें तो जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम करते थे तो उसमें हम वीएनटीआर का तकनीकी का यूज करते थे, इसकी मदद से हम डीएनए के सीक्वेंस को चेक करते थे। आजकल हम लोगों ने उस वीएनटीआर के साथ साथ अब हमने रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म तकनीकी का भी यूज करना शुरू किया है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊँ वीएनटीआर वगैरह को हम लोग बायोटेक में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में मिनी सैटेलाइट्स भी कहते हैं। छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी डीएनए के अंदर के बेस पेयर सिक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसकी मदद से जाकर हम पूरा डीएनए का सिक्वेंस आइडेंटिफाई कर देते हैं। जैसे अगर मान लो कोई शख्स कहता है, कोई कोई नया बच्चा पैदा होता है, ओके, और हॉस्पिटल में क्या होता है कि ठीक है सब दो पेरेंट्स है ना, जैसे एक चैरिटी हॉस्पिटल है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत सारे बच्चे आज पैदा हुए, ओके, तो पता चला कि सुबह उठे और सुबह सुबह क्या हुआ कि दो पेरेंट्स जो थे एक बच्चे को लेके भिड़ने लगे, कोई अपनी शक्ल देख नहीं रहा, सबको खूबसूरत बच्चा चाहिए। अब ये बताओ ऐसे केस में अब क्या होगा, ऐसे केस में एक ऑप्शन है, घबराओ नहीं, ऑप्शन ये है कि माँ बाप का डीएनए ले लो, बच्चे का डीएनए, इन डीएनए को माँ बाप के डीएनए को अगल बगल रख लो, ठीक, मैंने कहा माँ बाप के डीएनए को एक तरफ, पापा का डीएनए इधर ले लो, मामा का डीएनए इधर ले लो, है ना, इधर जो डीएनए होगा उसका कोई सीक्वेंस होगा, ए टी जी सी सी जी ए टी ए टी, ऐसे ऐसे सीक्वेंस होगा, इधर मामा का सीक्वेंस होगा ए टी ए टी ए टी जी सी ए सी जी ए टी ए टी, ऐसे दोनों के सीक्वेंस, ये पापा का हो गया सीक्वेंस डीएनए का, ये मामा का हो गया सीक्वेंस, है ना। अच्छा बच्चे का सीक्वेंस भी ले लो, ये हो गया बच्चे का, बच्चे का ए टी जी सी सी जी ए टी ए टी, ऐसे डीएनए सीक्वेंस। अभी काम करो, पापा का डीएनए का सीक्वेंस मिलाओ, ये वाला सीक्वेंस देखो पापा से मिल रहा है, अगर ये वाला डीएनए का सीक्वेंस पापा से मिल रहा है तो मम्मा से नहीं मिल रहा है, ये वाला सीक्वेंस देखो, ये वाला सीक्वेंस देखो मम्मा से मिल रहा है इस बच्चे के अंदर, ये वाला पापा से नहीं मिल रहा है, ये वाला फिर देखो पापा से मिल रहा है, मम्मा से नहीं मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि हम जो होते हैं, क्योंकि हमें हमारा क्रोमोजोम्स या डीएनए जो हमारे माँ बाप से आता है, तो डेफिनेटली पापा और मम्मा का 50-50 हमारा डीएनए और क्रोमोजोम के सीक्वेंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों, कि इस तरीके से हम अपने मम्मा पापा की जान पहचान कर सकते हैं, हम पेरेंट्स तो नेक्स्ट जनरेशन बता सकते हैं, यानी किस माँ बाप की संतान है, हमारे इवोल्यूशन क्या है, हम बंदरों के हमारे पूर्वज बंदर थे, यानी ऐसा भी जानते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से भी पता चला कि जो चिंपैंजी है, चिंपैंजी सुना है, चिंपैंजी चिंपैंजी जो है वहां से हम आए हैं, जो कि तकरीबन 94% 95% जो डीएनए बेस पेयर सीक्वेंसेस जो मैं बार बार बता रहा हूँ वो सेम है। तो अगर आपको कोई बंदर कहता है तो आप बुरा क्यों मानते हैं, बंदर तो हम सब हैं क्योंकि हम सब बंदर की औलाद है, ठीक है, बंदर की औलाद कहने का मतलब कि हमारा जो एंसेस्टर है वो अगर चिंपैंजी है, वो साइंस के बेस पे बताया जा रहा है, इवोल्यूशन के बेस पे, तो यहाँ कहीं ना कहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने हेल्प किया या नहीं किया। तो ये दोस्तों ये नाम थोड़ा याद रखना, वीएनटीआर और आरएफएलपी आपके पेपर में होता है तो आप इसे टिक कर देंगे। ओके, फिलहाल यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको बताऊं कि अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह करने के लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है। पहले हमने डीएनए लिया, उसको रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट से कट किया, फिर उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, बाद में रेडियोग्राफी की, फिलहाल हमें नहीं जानना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, जब मैं बायोटेक वगैरह में, जब जो लोग पीएचडी करने जाते हैं एमफिल वगैरह करने के लिए या जेआरएफ नेट के लिए, वहां पर चीजें बताई जाती हैं, जीएस में इस प्रोसीजर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके सिर्फ मैं बताता भी हूँ, ठीक है। वीएनटीआर वगैरह जो होता है ये किसी स्पेसिफिक टुकड़े पे कट करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े बनाए जाते हैं, जिसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मैकेनिज्म पर नहीं जाएंगे कैसे करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम करते हैं तो उसमें सडन ब्लॉटिंग तकनीकी का यूज होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार 2005 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार 2009 में पूछा हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी ब्लॉटिंग तकनीकी का यूज होता है, तो सडन ब्लॉटिंग का यूज होता है। और सडन ब्लॉटिंग के अंदर क्या-क्या होता है, वीएनटीआर होता है, बहुत सारी चीजें आती है ना, इसी सडन ब्लॉटिंग के थ्रू हम डीएनए सीक्वेंस को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या चीज, कौन सी ब्लॉटिंग तकनीकी का यूज होता है, तो सडन ब्लॉटिंग का यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो ये दोस्तों ये आर्टिकल है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से वीएनटीआर आरएफएलपी सडन ब्लॉटिंग, इस तरह के शब्द अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मिलते जुलते आते हैं तो आपके एग्जाम में किसी भी तरह का आंसर आप गलत करने वाले नहीं है। सो ये रहा दोस्तों पूरा का पूरा
नवंबर मंथ का साइंस रिपोर्टर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप इस चीज़ों को रिवाइज करेंगे, इसके साथ जो पीडीएफ अटैच है आप इसको बिल्कुल डाउनलोड कीजिए और इस पीडीएफ के प्रिंट आउट को निकाल कर इन वीडियोस को आप 2 से 3 बार सुन लीजिए, आपके एग्जाम का काम हो जाएगा। बाकी आप साइंस टेक में चाहें तो ये किताबें पढ़ सकते हैं, ये मेरी अपनी बुक है जो मैग्रा हिल पब्लिकेशन में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में इनमें सारी चीज़ें दी हुई हैं जो रिलेटेड बायोटेक वगैरह के सब्जेक्ट हैं, जो भी उसमें ये इन्फॉर्मेशन है। तो एक बार मैं बोलूंगा इवन सबको कि आप ये बुक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपकी आंख जरूर इस बुक को पढ़ने के बाद खुलेगी, क्योंकि हर चैप्टर के लास्ट में यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर दिए और इसमें एक चीज आपको समझ में आएगी कि यूपीएससी क्या पूछता है, आप में किस तरह की कमी है, क्या चीजें पूरी करनी चाहिए। बाकी चलते चलते दोस्तों मैं आपको लास्ट में बता दूंगा हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे पर्सनली अगर जुड़ना चाहें तो आप मुझसे मुखर्जी नगर दिल्ली में मेरे मॉड्यूल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। फाइन, बाकी दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।